गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। एंड स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल मनीषा की दुनिया में। और गाइस अभी मैं आई हूँ बालकनी में। आप लोग जैसा कि देख ही होंगे हमारा बालकनी, तो ये है हमारा छोटा सा बालकनी और जिसमें मैं कपड़े वगैरह धो के यहाँ पे डालती हूँ। और ये एसी जो रूम में लगा हुआ है तो वो उस एसी का है। और यहाँ पर हमारा मशीन है एक छोटा सा जिसमें मैं कपड़ा धोती हूँ। फिर गाइस हमारा ये रूम होता है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और बहुत सारे लोग आए भी थे हमारे घर पे, तो अभी रूम को पूरा क्लीन करना पड़ा हम लोगों को। उसके बाद बेड थोड़ा अभी सही करना है। वैसे हर रूम में बेड है लेकिन हम लोग यहाँ पे अभी दो ही आदमी हैं रहने वाले, तो जब कोई गेस्ट आता है तब इस बेड का। अब मैं चलती हूँ अपने किचन में, मेरे को बहुत सारा काम भी है तो आप लोग देख सकते हैं। और तो गाइस मिस्टर राज अभी कपड़ा वो गेम खेल रहे हैं थोड़ा, तो मैं अभी जा रही हूँ बर्तन धोने क्योंकि किचन पूरा गंदा हो गया था। तो अभी जस्ट किचन वगैरह साफ़ करके मैं बर्तन धोने जा रही हूँ। तो मैं अभी अपना फ़ोन को रिंग लाइट में लगा दी हूँ और मैं थोड़ा साफ से बात करते करते बर्तन भी धो लूँगी। तो गाइस मैं थोड़ा सा बर्तन धो लेती हूँ और अभी बर्तन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है तो मेरे को बर्तन धोना पड़ेगा। उसके बाद से मैं आप सबसे खूब सारा बात करूँगी और मेरे को भी खाना भी बनाना है, शॉर्ट वीडियो भी बनाना है, ब्लॉग भी बनाना है। तो मैं ये ब्लॉग वाला काम पहले कर लेती हूँ। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, दीदी आप शॉर्ट वीडियो तो डालती ही हो लेकिन आप थोड़ा ब्लॉगिंग भी करो। तो मैं सोची चलो आप सबके लिए एक ब्लॉग तो ला ही देती हूँ अपने चैनल पर। तो आप लोग को मैं दिखाती हूँ। अभी मेरा फ्रीज भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रखा है, सब सामान कैसे पड़ा हुआ है, अभी थोड़ा सा गंदा फैला हुआ है फ्रीज में। वैसे साफ सुथरा है लेकिन सामान भरने से थोड़ा ऐसे दिख रहा है। और इसमें इतना ज़्यादा तीखा वाला चटनी में इसका राज डाल दिए कि क्या ही बताऊँ। तो मैं थोड़ा सा बर्तन धो लेती हूँ। तो गाइस बर्तन रात का बहुत ज़्यादा हो गया था तो मैं यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी बर्तन धो रही हूँ और आप लोग देख सकते हैं एकदम जल्दी 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 जल्दी। इसका सबसे फेवरेट काम है ये। गाइस बर्तन वगैरह धोने के बाद अब मैं जा रही हूँ कुछ बनाने। तो आज मैं बनाऊँगी तड़का क्योंकि बहुत दिन हो गया चावल दाल सब्जी या फिर जो भी कुछ बहुत दिन हो गया तड़का खाए हुए। तो आज मुझे तड़का बनाने के लिए तो मैं तड़का बनाने जा रही हूँ। और उसके साथ ही साथ मैं आज बनाऊंगी मैंगो, मतलब ये आम है कच्चा आम और इसका चटनी। तो आप लोग देख सकते हैं कच्चा आम कितना प्यारा है। तो ये मिस्टर राज कल जिस दिन मार्केट गए थे उस दिन लेके आए थे आम, मेरे को बहुत पसंद है कच्चा आम। आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग को ऐसे पसंद होगा ना आम, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। और मैं बनाऊँगी आम का चटनी, मिर्चा आम वगैरह जो डालते हैं उसका चटनी बनाऊंगी मैं। बहुत मज़ा आएगा आज खाने में। तो उसके लिए मैं डाल रही हूँ सबसे पहले प्याज टमाटर मिर्चा काटने के लिए, चटनी के लिए नहीं, ये है तड़का के लिए। तो आप लोग देखते रहिए बस। मैं प्याज टमाटर मिर्चा धनिया पत्ता सब कुछ काट ली हूँ जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और इसमें सब कुछ है, आप लोग देख सकते हैं टमाटर है, ये प्याज है, धनिया पत्ता और साइड में यहाँ पे मिर्च भी है। और ये है जीरा जो कि आप लोग देख सकते हैं जीरा। तो आज मैं तड़का बनाने वाली हूँ। मैं फिर से बोल देती हूँ, सबसे पहले इसमें मैं सरसों का तेल डाल दी हूँ। तो सरसों का तेल डालने के साथ सबसे पहले मैं इसमें जीरा भी डालूँगी। और जीरा तो मैं डाल दी, आप लोग देख सकते हैं गाइस जीरा इसमें पड़ चुका है थोड़ा सा बिल्कुल। अब जीरा डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी हरी मिर्च। तो मैं अपने हाथ से ही ब्लॉगिंग कर रही हूँ इसलिए थोड़ा कैमरा हिलेगा। तो आप लोग देख सकते हैं मैं इसमें भी मिर्च डाल रही हूँ, मिर्च पड़ गई थी। तड़का बहुत टेस्टी बनाती हूँ मैं। और गाइस अगर आप लोग भी बनाते हैं तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा किसको किसको सबसे ज़्यादा पसंद है तड़का।
तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। अब मैं मिर्च डालने के बाद इसमें प्याज डालूँगी, तो यहाँ पर मैं प्याज भी डाल रही हूँ। मैं हाथों से ही डालती हूँ, मेरे को हाथ से ही ज़्यादा ईजी लगता है, मेकअप करो या फिर खाना बना। तो आप लोग देख सकते हैं गाइस, इसमें प्याज भी पड़ गया। अब प्याज को हम थोड़ी देर तक ब्राउन होने तक वेट करेंगे। जब ब्राउन हो जाएगा तो उसमें मैं टमाटर डाल दूँगी, और टमाटर डालने के बाद मैं आप लोग को दिखाती हूँ। प्याज पूरा ब्राउन हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। अब मैं इसमें डालूँगी टमाटर। तो सबसे पहले इसमें मैं टमाटर डालूँगी, टमाटर को इसमें तो आप लोग देख सकते हैं टमाटर को मैं बिल्कुल अच्छे से इसमें डाल दी हूँ। सॉरी, मैं मसाला डालना स्टार्ट कर दी थी और मैं कैमरा ऑन नहीं की थी, तो मैं इसमें मसाले में आप लोग देख सकते हैं मैं सब कुछ डाल दी हूँ। मसाले में मैं मीट मसाला, सब्जी मसाला, गरम मसाला वगैरह, मतलब मसाले में मैं सारा मसाला डाल दी हूँ। हल्दी, नमक, और मैं इसमें धनिया पत्ता भी डाल दूँ। बस थोड़ी देर इसको भूनेंगे और उसके बाद से इसमें जो हमारा दाल है, तो दो आदमी के लिए ही बनाना है मेरे को, तो इतना काफ़ी है। सकते इसमें सारा मसाला डालने के बाद ये कुछ ऐसा हो जाता है। इसमें मेरे फ़ोन में भी धुंधला दिख रहा है, बट बहुत ही टेस्टी आ रहा है, इसका खुशबू बहुत टेस्टी दिख रहा है। सारा मसाला वगैरह डालने के बाद ही कुछ ऐसा हो जाएगा। मैं उतना अच्छे से दिखा नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरे फ़ोन में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है। गाइस, आप लोग देख सकते हैं मैं इसमें दाल भी डाल दी हूँ, चने का दाल, क्योंकि चने का दाल का ही तड़का बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, इसलिए मैं चने का दाल भी डाल दी हूँ। और ये कुछ ऐसा दिखेगा जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा, और इसकी शक्ल कैसी है थोड़ा आप लोग बताइएगा। फाइनली मेरा तड़का बन चुका है, आप लोग देख सकते हैं तड़का तो बहुत टेस्टी लग रहा है, लेकिन देखते हैं पता नहीं कैसा बना है। वाओ, वेरी नाइस। तो आप लोग देख सकते हैं गाइस, तड़का बहुत टेस्टी बना है, आप लोग भी बना के ट्राई कीजिए, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ पे चटनी भी बना के तैयार कर ली, अब हम लोग खाएँगे खाना क्योंकि भूख भी लग गई है। और आप लोग बताइएगा कि आप सबको ये हमारी छोटा सा वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोग को पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और खूब सारा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।